सर, यूपी में जो गठबंधन हुआ है बीएसपी समाजवादी पार्टी आरएलडी, कांग्रेस के लिए 2 सीट छोड़े गए हैं। आरएलडी को 3 से 4 सीट देने की बात कही है, या कुछ अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, कुछ समाजवादी के सीट पे। कहना है कि देश हित में ये गठबंधन है, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सारा देश जानता है, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है ये देश हित में नहीं है, जेब हित में गठबंधन है। ये मुलायम सिंह सरकार रही हो, अखिलेश सरकार रही हो, मायावती सरकार रही हो, इन्होंने सब मिलजुल कर अपने जेब भरी हैं और प्रदेश को लूटा है। रही गठबंधन की बात, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात कर बता देना चाहता हूं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की लोकप्रियता देख के ये सारे जो विपक्षी दल हैं सब घबरा गए हैं कि अब के तो इनकी एक एक दो दो सीट बच गई थी, और अब के 2019 में जो हमारे नारा दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कि 420 पार करेंगे, तो हो सके ये आंकड़ा 430 तक पहुंच जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई गठबंधन देश में नहीं है, पूरी जनता इस देश की जान चुकी है कि देश हित में किसने काम किया है और किसने इस देश को लूटा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि चौकीदार ईमानदार चाहिए या चोर चाहिए, तो ये देश की जनता बता दे कि हमें माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के चौकीदार चाहिए, और उसी के लिए पूरा देश एक साथ जुट कर 2019 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाएगा। सर।